press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया इलाही खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू, जिसमें वो बात करेंगी कैसे ये शांति दूत दूसरों की बेटियां क्या खुद की बेटियां भी नहीं छोड़ते। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए कल ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कोर्ट में आप होती हैं और दिन भर मतलब आप यही केसेस देखती रहती हैं, तो एक वोकल होता ना, एक वॉइस करना अपना ओपिनियन बहुत बड़ी चीज है, खासकर एक औरत के लिए। तो आपने खुद देखा होगा कि बिहाइंड द कैमरा कितनी सारी औरतें हैं जो सफर कर रही हैं। इन रिस्पॉन्स टू दैट दीज रूमर्स एंड ऑल, एक्चुअल में कितनी औरतें सफर करती है जिनको आपने देखा है, उनका क्या रिस्पॉन्स है या उनका क्या परस्पेक्टिव है जब आप उनसे बात करती हैं? क्योंकि कहते हैं कि लॉयर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, और जाहिर सी बात है जब आप भी अलग अलग क्लाइंट्स से मिलती होंगी, फीमेल क्लाइंट से मिलती होंगी, उनकी असल स्थिति क्या है, उनके मन की स्थिति क्या है, कितना मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रही हैं और कितना फिजिकल ट्रॉमा से वो गुजर रही हैं, उसको आप उस पर थोड़ी सी लाइट आप डालिए, सो दैट लोगों को ये भी पता चले कि एक्चुअल में वुमेन कितनी सफर करती हैं। और फिर जब हम आप जैसे लोग आवाज बुलंद करते हैं, या हम जैसे लोग आवाज बुलंद करते हैं औरतों के लिए, और फिर हमें फेमिनिस्ट एंड लिबरल्स एंड बाकी जो टैग्स हमें मिलते हैं, दरअसल उन सफरिंग्स को कोई नहीं देखता कि अगर किसी को, चाहे वो मर्द हो औरत हो, कोई भी उन सफरिंग्स को खुद अपनी आंखों से देखेगा उसे भी टॉलरेट नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बुरा इंसान हो। लेकिन जब भी कोई आवाज उठाता है तो उसको एक टैग मिलता है कि तुम तो फेमिनिस्ट हो, तुम्हारा तो तुम तो मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करती हो या ये या वो, उस पर आप हमें बताइए। अनिका, अगर मैं बहुत क्लियरली बोलूंगी तो मैं उम्मीद करूंगी कि मैं जो बोलने के लिए जा रही हूँ वो आप कट नहीं करेंगे, उसको आप चलने देंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि जब तक ये बात बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि हम कोर्ट रूम के अंदर जो जिन तथ्य को रखते हैं, जिन प्रूफ्स को रखते हैं, बहुत बार वो बातें तो बाहर आ ही नहीं पाती हैं। और मुसलमान औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को इतना ज्यादा उनको और मतलब कंजर्वेटिव माहौल में रखा गया है कि उनकी हिम्मत नहीं होती है सच को सामने रखने की। 2016 में मैंने एक मैटर देखा था, जब मेरा ये ट्रिपल तलाक का मैटर चल रहा था, तब मैंने ये मैटर मेरे पास आया था, बिहार से आया था। वो पूरी फैमिली में मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि काफी टीवी पर वो लोग मुझे देख रहे थे, तो वो लोग मुझे, उन लोगों को मेरा नंबर मिला और मेरे पास आए। उस लड़की के ये पार्ट में बैंडेज लगा हुआ था, एंड आई वॉज वेरी कंफ्यूज। ऑन दी अदर हैंड आई वॉज सो मच इंक्विजिटिव टू नो कि इसके साथ हुआ क्या है। आप भी अभी, आपको भी जिज्ञासा हो रही होगी कि क्या हुआ था, बिकॉज उसका हस्बैंड जो है वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक इंटरकोर्स नहीं कर पाता था, गया था। यहाँ पर उसके स्टिचेस पड़े थे, दो स्टिचेस यहाँ पड़े थे और दो स्टिचेस यहाँ पर पड़े थे, और मुस्लिम लड़की थी। कुछ ऐसे केसेस आते हैं, कुछ नहीं, एक्चुअली दिन भर में अगर मैं चेंबर में बहुत ज्यादा बैठ नहीं पाती हूँ, 3-4 घंटे बैठती हूँ, डायरेक्ट इंट्रैक्शन जो बहुत अजीब सा केस होता है, जो एक मतलब एडमेंट हो जाती है, स्टबर्न हो जाती है कि जूनियर से मैं बात नहीं करूंगी, मुझे मैम से ही बात करनी है, तब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ ठीक है बोलिए, आई मीन आंख से आंसू निकल जाता है कि मतलब डॉक्टर ने मना किया है कि और बच्चे नहीं पैदा करने हैं, मेरे ऑलरेडी 5-6 बच्चे हैं मैडम, अभी मैं और बच्चे पैदा करूंगी तो मैं मर जाऊंगी, डॉक्टर मुझे बात बोलता है, डॉक्टर मुझे बात सुनाता है, पर मेरा शौहर मुझे बोलता है कि अगर और बच्चे नहीं करोगी तो तलाक दे देंगे और दूसरी बीवी लेकर आएंगे। शरीर मतलब उसका तहस नहस हो गया है, मुंह से बोली नहीं निकल रही है, चेहरे से चार्मिंग खत्म हो चुका है,
मतलब अजीब सी एक दिशा हो चुकी है, अजीब से एक हालात उसकी जिंदगी में हो चुके हैं, अपने ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं है, मात्र उम्र जो है वो 28-29 साल है, 5 बच्चे ऑलरेडी साथ में है, 1 बच्चा पेट में है, और फिर भी हस्बैंड ये धमकी दे रहा है कि और बच्चे अगर पैदा नहीं करोगी तो या तो तलाक दे देंगे या दूसरी बीवी लेकर आएंगे। और एक घटना मैं आपसे डिस्कस करूंगी। एक लड़की काफी दिनों से मुझे मेरे सोशल मीडिया के में मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती थी और हमेशा रो रो करके कुछ बोलती थी। तो मेरे जो सोशल मीडिया जो लोग संभालते हैं उन्होंने मुझे कहा कि लास्ट 1 महीने से ये लड़की रो रही है मैम, इस बार तो आप बात कर लीजिए। चलो ठीक है भैया, बात किया हमने। जब वो आई है उस 9 साल की उम्र से उसके फादर उसको मलेस्ट करते थे सेक्सुअली, 19 साल की उम्र तक उस बच्ची को उसके उसके वालिद ने सेक्सुअली मलेस्ट किया है 9 से 19 तक। और तब फिर वो मैटर मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में डाला। पहले मैं पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन गई, वो मैटर वो लोग लेने से मना कर दिए। तब फिर मैं कलकत्ता हाई कोर्ट गई, वहां से मैंने उसको जस्टिस दिलाया और उस अपराधी को, उस अक्यूज्ड को बचाने वाला वेस्ट बंगाल के पार्क सर्कस का 4 मुसलमान लड़का जो उसको पनाह दे करके बचा कर रखा हुआ था, और कह रहा है कि अरे बाजी को, नाजिया बाजी को बोलो जो हुआ सो हुआ, रहने दो, हम लोग उसको कुछ पैसा दिलवा देंगे। अपनी बेटी को वो सेक्सुअली असल्ट कर रहा था 9 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक, और मुसलमान 5 लड़के मेरे पास आकर के कह रहे हैं कि हम लोग उस बच्ची को और उसकी माँ को कुछ पैसा दिलवा देंगे, आप केस छोड़ दीजिए। मैं जब भी बोलती हूं ना तो सब मुझे कहते हैं कि आप बहुत भावुक हो जाती हैं या गुस्से में आकर बोलती हैं। आपका काम है सिर्फ सवाल पूछने का, मेरा काम होता है ना कि जब 4 साल की छोटी बच्ची का उसका रेप करता है तो मैं उसको अपने गोद में उठा करके ऑपरेशन थिएटर तक सुलाती हूँ, दिस इज माय वर्क। और फिर उसके लिए इंसाफ के लिए 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 8 साल में लड़ती हूँ, दिस इज माय वर्क। तो जिन चीजों को मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, जिन बच्चियों को मैं अपने हाथ से उठाती हूँ, अपने सीने में सटा करके ऑपरेशन थिएटर तक लेकर जाती हूँ, इसलिए मेरी आवाज वोकल हो जाती है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। आई थिंक ऐसे केसेस और ऐसी घटनाएं किसी को भी शट कर सकती हैं, किसी की भी आवाज़ शट कर सकती हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं या जितने पिछले दिनों से हम लोग यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं या पिछले साल सेम केसेस काइंड ऑफ, जिनमें फिर हम बच्चे की उस कॉन्फिडेंशियलिटी को भी ओपन अप नहीं कर सकते, उसे इंसाफ दिलाना है, उसके बारे में बात भी करनी है और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी बचाना है, क्योंकि समाज ऐसा है कि वो जिस पर जो विक्टिम है उसको दोषी ठहराता है। बिल्कुल, एग्जांपल्स इन J&K कश्मीर में ऐसे एग्जांपल्स है जहां फादर रेप्ड हर, रेप्ड हिज डॉटर, और उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। या एक भाई ने रिसेंटली, उस आपको न्यूज में भी मिल जाएगा, भोनियार एक जगह है, वहां एक भाई ने अपनी बहन का रेप कर दिया एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा ऐसे हो रहा है कश्मीर में, कश्मीर के तो हालात बदल रहे हैं कश्मीर में, तो अरे किसने किया, अपने घर में वो महफूज नहीं है, हु इज डूइंग दिस। फिर हम वो ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा हमारे समाज की स्थिति तो ऐसे ही है, वरना तभी इस लड़के ने ऐसा किया। देयर ऑलवेज ट्राइंग टू यू नो, हम शेडो करने की कोशिश करते हैं उस अक्यूज्ड को, और हमेशा विक्टिम को ही वो उसकी एक बुरी छवि दिखाने की कोशिश करते हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल। नहीं अनिका, मैं तो कभी भी, मैं ऐसी दुर्नीतियों पर, ऐसी वल्गैरिटीज पर मैंने हमेशा आवाज उठाई है, आज से नहीं, मात्र मेरी उम्र 16-17 साल की थी, मैंने तब से उठाई है, आज टुडे आई एम 36, मैं आज तक ये आवाज उठा रही हूँ। नाजी जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वोकल होना इस समाज में एक फीमेल का ये बहुत। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बुलंद आवाज में दिया गया इंटरव्यू और उनकी बेबाक राय आपको काफी पसंद आई होगी, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे आपने देखा
कैसे नाजिया खान जी ने इन शांति दूतों से लेकर इन कट्टरपंथियों को एक्सपोज किया और जो भी ये दुष्कर्म दूसरों की बेटी और खुद की बेटियों के साथ करते हैं उसको भी अच्छे से उजागर किया। बाकी तो मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सा मजहब पढ़ के आते हैं जो ये मजहब इनको सिखाता है छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे दुष्कर्म करना। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।